हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज जा रही हूँ H&M, मतलब सीपी में, सीपी वाले H&M जा रही हूँ, सेलेक्ट सिटी वाले। उस दिन मैं सेलेक्ट सिटी वाले H&M गई थी। सो गाइज, अभी मैं ना कार्ड ले रही हूँ, मेट्रो कार्ड में रिचार्ज करवा रही हूँ। मेरे मेट्रो कार्ड में मेरे को नहीं पता कि रिचार्ज है या नहीं है, तो अभी मैं निकाल रही हूँ। मेरा कार्ड जो था वो रिचार्ज था और अभी मैं डाउट कर रही हूँ यहाँ पे। गाइज़, मैं ना राजीव चौक पर पहुँच रही हूँ और अब यहाँ से ना एग्ज़िट करते ही ब्लॉक बी में H&M है, तो वहीं पे चलते हैं, फिर वहाँ पे मिलते हैं। तो गाइज़, मैं ना सीपी पहुँच गई हूँ। यहाँ से टाइम थोड़ा सा दूर था, यू नो 100 मीटर डिस्टेंस में, तो वही चल कर जाना पड़ रहा है। सो गाइज़, अभी ना मैं ढूँढ रही हूँ H&M की तरह, अभी ऐसे ब्लॉक बी में है। तो फाइनली H&M में पहुंच गई हूँ और यहाँ पे हम लोग सेल्स वाले कलेक्शंस पहले कवर करेंगे, क्योंकि H&M में सेल चल रहा है 60% ऑफ वाला, जो कि बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर है। और आप लोग जैसा नहीं जानते हो कि यहाँ पे जो सेल अभी काफ़ी दिन तक रहने वाला है, तो आप लोग जा सकते हो और कभी भी ले सकते हो। तो ये तो विदाउट सेल वाला, पहले मैं थोड़ा सा आगे से दिखा देती हूँ। प्राइजेस बहुत ज़्यादा चीप रेंज में थे, 99 रुपीज़ से स्टार्ट था सब कुछ। और मैं धीरे धीरे दिखाती हूँ आप लोग को, मैं पहुँच रही हूँ सेल सेक्शन में भी। पहले मैं स्टार्टिंग का दिखा देती हूँ। 999 में ये सब सैटिन के टॉप्स मिल रहे थे, एंड इन कंपैरिजन टू सेलेक्ट सिटी वॉक यहाँ पे ज़्यादा अच्छे कलेक्शंस थे। आप लोग को तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यहीं पे आया करो, सीपी वाले H&M में। यहाँ पे बहुत वैरायटी और कलेक्शन रहता है, प्राइस रेंज ही मुझे सही लगा सब कुछ। मुझे अपने लिए एक हील लेना था, तो वो मैं एक बार देखने आ गई यहाँ पर। यहाँ पे बैग के कलेक्शन भी काफ़ी सारे अच्छे थे, लेकिन बैग्स में इस तरफ सेल नहीं था। मैं तो देखी थी ऑनलाइन के बैग्स पे भी सेल है, बट ये वाले सेक्शन में सेल नहीं था। जितने भी सेल सेक्शन वाले बैग्स हैं ना, वो स्टॉक आउट हो गया था यार। बड़ा मतलब बुरा लग रहा था यार, सेल वाला स्टॉक आउट हो गया था, और ये विदाउट सेल वाला आप लोग देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा प्राइस था। तो मैं इतना ज़्यादा महंगा बैग लूँगी नहीं, एक बार यूज़ करती हूँ, एक जगह जाती हूँ, तो इसलिए वर्थ इट नहीं रहेगा मेरे लिए। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि सेल वाला सेक्शन भी ढूंढने का, बट यहाँ सेल वाला सेक्शन नहीं मिल रहा था। बैग का सारे ज़्यादा महंगे महंगे थे। कि फ़र वाला बैग मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। यहाँ पे ना फ़ोन के केसेस, सनग्लासेस, जैसा कि देख रहे हो 399 इतने प्यारे प्यारे फ्लैट्स मिल रहे हैं, लेकिन बहुत इसमें से स्टॉक आउट थे। कुछ कुछ पेयर्स थे, साइज़ अवेलेबल्स नहीं थे मेरे, तो उफ़ यार, मेरे को लेना था बट साइज़ अवेलेबल नहीं थे। अरे 40-41, और ये सेल प्राइस में सिर्फ 400 में मिल रहे थे सारे। लो बैग्स के कलेक्शन यहाँ मिल गए मुझे, बट यहाँ बहुत लिमिटेड था, मतलब 4-5 ही थे जो डिज़ाइन से मुझे पसंद नहीं आया। बेल्ट जो 800 या 900 में मिलता था, और 300 का यहाँ पे बेल्ट मिल रहा है सेल प्राइस में। फ़ोन के केसेस, आई गेस मैं दिखाती हूँ उसका प्राइस। ओ माई गॉड, बस 99 रुपीज़ में आईफोन के केसेस मिल रहे थे, हैट्स मिल रहे थे बहुत कम प्राइस में, एंड ज्वेलरी में कोई भी सेल नहीं चल रही थी। तो मैं ऐसी दिखा दे रही हूँ, फिर भी जिनको भी लेना है कैन बाय इट। एंड मेरे को काफ़ी अच्छा उतना लगा नहीं, फ्रॉम माई साइड इट्स ओके, बट नॉट टू मच, यार एवरेज था। मतलब ये सारे ना बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, इसका जो कलर है वो भी नहीं जाएगा। एंड या देखो, इधर सेल वाले टॉप्स में आ गई हूँ, और यहाँ पे इतने भयंकर सेल लगा था ना। टॉप का प्राइस सिर्फ 300 रुपीज़ था यार, लेकिन साइज ही अवेलेबल नहीं था, मतलब बैड लक फॉर मी। ये वाला टॉप भी 300 का था, ये भी सेल में था। ये वाला शूज़ सिर्फ 899 में था, माई गॉड। तो जो ड्रेसेस लगे हैं ना, ये 499 से स्टार्ट हो रहे थे, अलग अलग सबके प्राइस से। साटिन स्कर्ट मिल रहा था, फिर ये वाला कितना प्यारा है, ये था आपको आई गेस, वेट में प्राइस देखती हूँ, हाँ ये 1299, इसमें कोई सेल नहीं था, नहीं सेल था सॉरी, वो 600 का मिल रहा था, 1299 तो उसका हाफ, हाँ 600 मिल रहा था। ये शिमरी वाला टॉप का भी जो प्राइस था वो 800 था, एंड इसका जो प्राइस था साटिन स्कर्ट का, इसका प्राइस था आपको 899, मतलब 900 रुपया। ये वाला जो ड्रेस था, इसका प्राइस था आपको 1200 रुपया। ये पीछे वाले का था 999, एंड ये जो ब्लू वाला है इसका प्राइस सिर्फ 699 था।
ये सैटिन ड्रेस का भी सेम वही प्राइस था, इसका भी सेम वही था, तो प्राइस वगैरह सब सही लगी मुझे। यहाँ जो ब्रालेट का जो सेक्शन है यहाँ पे, ये सब के जो प्राइस थे वो थे 299 से स्टार्टिंग, सबके अलग अलग प्राइजेस थे। तो इधर जो पूरा सेक्शन देख रहे हो बहुत लंबा, ये पूरा सेल का है, मतलब इधर पूरा सेल 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 है। हुडीज़ के कलेक्शंस जो ये पे यहाँ पे थे 499 से स्टार्ट हो रहे थे, एंड ये वाला जो टॉप्स के कलेक्शन, ये जो अच्छे टाइप के टॉप्स के कलेक्शन थे वो थे 399 से स्टार्ट। ये सब टॉप्स भी सेम 399 के थे। ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने के लिए, तो मेरे को भूख लग गया, मैं आ गई खाने डोमिनोज, और अपना पिज़्ज़ा इंजॉय करा मैंने। एंड फिर मैं गई एक और जगह, मिनीसो में गई मैं, वहाँ पे इतने प्यारे प्यारे क्यूट कलेक्शन थे, वाओ गाइस। मैंने वहाँ से ये वाला एक कंघी लिया, ट्रोलर वाला, एंड ये देखो कितने क्यूट के स्टफ्स थे। मन तो कर रहा था सारे ले लूँ यार, मतलब बहुत अच्छे क्लचर्स थे, बैंड्स थे, मेरे को लग रहा था मैं शिंजो को, मेरे को मतलब मन कर रहा शिंजो के लिए ले लूँ। नेक कम्फर्टर भी कितना सॉफ्ट था, मतलब जो टॉयज़ की क्वालिटी होती है ना यहाँ की, बहुत बहुत अमेजिंग थी। कप ऑर्गेनाइजर थे, नैपकिन थे, रूलर्स थे, क्यूट बॉक्सेस थे फॉर डेकोरेशंस, परफ्यूम्स थे, स्ट्रॉज विथ कप्स थे, बारवी कलेक्शंस भी थे, लंच बॉक्सेस थे। लंच बॉक्सेस प्राइस 200 से स्टार्ट हो जाते और बहुत अच्छे मतलब क्वालिटी में थे, मैंने एक ट्राई भी करके देखा था खोलकर। प्यारे प्यारे मेकअप बैग्स भी मिल रहे थे, एंड यू नो स्प्रे बॉटल्स भी मिल रहे थे। ये वाला बड़ा प्यारा बॉटल लग रहा था, लेकिन वो पीती नहीं हूँ ना पानी बॉटल्स में। टॉवल्स, हेडफोन्स, हैंड वॉशेस, स्मॉल पाउचेस, चेन एसेसरीज भी थे कुछ कुछ, एंड ये बच्चों के नैपकिन्स थे, टॉवल्स ऐसे ये वगैरह वगैरह चीज़ थे, टॉयज थे बच्चे के बहुत सारे। ऊपर जो सेक्शन था उसे बच्चों के लिए था। वुमेंस के बैग्स की बहुत अच्छे वैरायटी थे, मतलब उसका प्राइस रेंज थोड़ा सा ज़्यादा था लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो मैं मिट्टी से गई आइसक्रीम ले ली एंड वापस घर जा रही हूँ। तो या गाइस, मैं घर आ गई हूँ H&M से, एंड इस बार के कलेक्शन मेरे को उतने ज़्यादा खास नहीं लगे। शायद ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ कि मैं रात में गई तो अच्छे अच्छे कलेक्शन स्टॉक आउट हो जाते हैं ज़्यादा देर पर जाने के बाद। एंड एज यूजुअल हमेशा की तरह इस बार फुटवेयर का भी कलेक्शन पूरा एम्प्टी एम्प्टी सा था। साइज़ मेरे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे, थे भी तो 41-42 थे, एंड उतना यूनिक कलेक्शन मेरे को दिखा नहीं। ऑब्वियसली सेल लगा तो यूनिक कलेक्शन दिखेगा नहीं हमें, और बाकी जिसमें सेल वाला सेक्शन नहीं था ना उसमें अच्छे कलेक्शन थे बट प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा था। सो मैंने वहाँ से कुछ नहीं लिया इस बार, पिछली बार गई थी तो ली थी जैसे मैं बताई, एंड इस बार मैं कुछ नहीं ली। अभी भी 60% ऑफ चल रहा है, जाके ग्रैब कर सकते हो, अच्छे खासे कलेक्शन आपको सेल में मिल जाएंगे। टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए तो मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगा, बट आई डेफिनेटली यू नो टेल यू कि आप लोग के लिए कुछ ज़रूर मिल जाएगा, मेरे को मेरे पसंद का नहीं मिला। एंड या डैट्स फॉर इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही मिलते हैं अनदर वीडियो में, अभी के लिए बाय।